Hello everyone, मैं डॉक्टर वसीम खान, आई एम अ फिजिशियन करेंटली प्रैक्टिसिंग इन दिल्ली. आज इस वीडियो में मैं आपको अवेस्कुलर नेक्रोसिस ऑफ द बोन के बारे में जानकारी देने वाला हूँ, स्पेशली इन रिकवर्ड केसेस ऑफ कोविड 19. देखिए, इट्स नॉट अ न्यू डिजीज़. ये कोविड के पहले भी हम लोग पेशेंट्स में प्रॉब्लम देखते थे, लेकिन रिसेंटली ये देखा गया है कि जो मरीज कोविड से रिकवर कर जाते हैं उनमें ये प्रॉब्लम पाई जा रही है. अवेस्कुलर नेक्रोसिस ऑफ द बोन को अगर आसान भाषा में कहा जाए तो इट्स अ बोन डेथ. बोन डेथ ड्यू टू नो ब्लड सप्लाई टू द बोन. नेक्रोसिस का मतलब होता है डेथ ऑफ द सेल्स. तो ये प्रॉब्लम में पेशेंट जनरली ये फेस करता है, उसको जॉइंट्स में पेन होता है, हिप जॉइंट हो, शोल्डर जॉइंट हो, नी जॉइंट हो, तो यहाँ पे ये पेशेंट को प्रॉब्लम होती है. पेशेंट स्टार्ट कंप्लेनिंग ऑफ पेन. हिप जॉइंट में अगर प्रॉब्लम हो तो पेशेंट लिंप करने लगता है, चलने में कठिनाई होती है, अल्टीमेटली जॉइंट बिकम्स आर्थराइटिक और धीरे धीरे करके वो सेल डेथ होती है बोन्स के अंदर और बोन्स डिजेनरेट होना स्टार्ट होते हैं. इसकी वजह क्या है, स्पेशली आफ्टर रिकवरिंग फ्रॉम द कोविड ये क्यों पाया जा रहा है, तो इसके दो रीजंस देखे जा सकते हैं. एक कि कोविड में ही ये प्रॉब्लम हो रही है कि पेशेंट्स के अंदर ब्लड क्लॉट्स पाए जा रहे हैं, और जब ब्लड क्लॉट्स होते हैं और वो स्पेशली उन ब्लड वेसल्स में या आर्टरीज में जो बोन्स को सप्लाई करती हैं, अगर वहाँ ये क्लॉट्स होते हैं तो अल्टीमेटली बोन का जो ब्लड सप्लाई है वो कट डाउन हो जाता है, बोन को ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स नहीं मिल पाते और फाइनली बोन की डेथ हो जाती है. दूसरा एक इसका कारण ये हो सकता है कि हम कई सारे मरीजों में स्टेरॉइड्स दे रहे हैं कोविड के अंदर टू प्रिवेंट द मोर्टेलिटी. जो सीवियर पेशेंट्स होते हैं जिन्हें ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है उनमें काफ़ी ड्यूरेशन तक हम लोग स्टेरॉइड देते हैं, तो स्टेरॉइड्स का एक अपना साइड इफेक्ट होता है. स्टेरॉइड बोन को सॉफ्ट करते हैं, कार्टिलेज कोलैप्स हो जाता है जिसके कारण, और उसमें फिर अल्टीमेटली वही प्रॉब्लम जो कि ब्लड सप्लाई की आती है, शॉर्ट कट डाउन हो जाता है ब्लड सप्लाई और बोन को न्यूट्रिएंट्स और ऑक्सीजन नहीं मिलने के कारण बोन डेथ होना स्टार्ट होती है. देखिए, कोविड से रिकवर करने के बाद ये प्रॉब्लम 3 महीने से 1 साल के भीतर कभी भी देखी जा सकती है, सो वी हैव टू बी वेरी केयरफुल. जिन पेशेंट्स को जॉइंट पेन है और 6 हफ्तों से ज़्यादा अगर वो जॉइंट पेन रह रहा है, कन्वेंशनल ट्रीटमेंट के बाद भी वो ठीक नहीं हो रहा है, सो वी हैव टू थिंक ऑफ दिस अवेस्कुलर नेक्रोसिस ऑफ द बोन. इसका डायग्नोसिस की बात की जाए तो द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इन्वेस्टिगेशन या इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइसेस MRI, जो कि इसको अर्ली स्टेज में डायग्नोस कर सकता है, और अगर पेशेंट्स को अर्ली स्टेज में ये डायग्नोसिस हो जाता है तो वी कैन प्रिजर्व द बोन. जॉइंट रिप्लेसमेंट या बोन सर्जरी की आवश्यकता नहीं पड़ती है अगर अर्ली डायग्नोसिस हो जाए, कन्वेंशनल और कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट से ही वो ठीक हो सकता है. सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू डायग्नोस दिस केस अर्ली. सेकेंड थिंग, जहाँ तक ट्रीटमेंट्स ऑप्शन है, इसमें इट्स डिपेंड्स अपॉन द स्टेज ऑफ द डिजीज. अगर अर्ली स्टेज हो तो कंजर्वेटिवली उसको मैनेज किया जा सकता है, जिसके अंदर NSAIDs हैं, नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स हैं, ब्लड थिनर्स हैं, कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग मेडिकेशंस हैं, या बायोफॉस्फोनेट जो कि ऑस्टियोपोरोसिस में भी हम लोग यूज़ करते हैं, तो इन सारे मेडिसिन से इसको ठीक किया जा सकता है. देन अदर देन दिस मेडिसिन, रेस्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, इफ़ वी आर मैनेजिंग दिस पेशेंट कंजर्वेटिवली, अगर ये प्रॉब्लम बढ़ जाती है या इसके लेटर स्टेजेस में, तो ऑप्शन इज सर्जरी. सर्जरी में आपके पास ऑप्शन होंगे बोन डिकम्प्रेशन, जो भी डेड पार्ट है बोन का उसको वहाँ से रिमूव किया जाता है. सेकंड ऑप्शन होता है बोन ग्राफ्टिंग, आप बोन ग्राफ्टिंग भी कर सकते हैं इसमें. एंड थर्ड इज रिप्लेसमेंट, जॉइंट रिप्लेसमेंट, अगर वो जॉइंट में प्रॉब्लम हो तो जॉइंट रिप्लेसमेंट करना पड़ता है. सो आई रिक्वेस्ट ऑल माय व्यूअर्स कि जो पेशेंट्स रिकवर कर चुके हैं कोविड 19 से और जिनको किसी भी प्रकार की जॉइंट पेन की प्रॉब्लम हो रही है, सो बी केयरफुल. आप अपने डॉक्टर की सलाह लें, प्रॉपरली इसका फॉलोअप करें. ओके, अगर ये अवेस्कुलर नेक्रोसिस की प्रॉब्लम अगर है तो इसको जल्द से जल्द ऑर्थोपेडिक डॉक्टर्स को दिखाकर इसका इलाज करवाएं. थैंक यू.